tech.knowledge.in. This is TN Pandey, Assistant Professor, PK University, Shivpuri, MP. Today we will learn what is CRO. CRO stands for cathode ray oscilloscope. Now we will see functions of blocks and functions of CRO. Let's start with the application of CRO. So the CRO can be used for various purposes, like for measure voltage, for measurement current, for measuring phase and frequency of signal, and various ways. Now we will discuss functioning of CRO. Before starting, let me the name of main component of CRO. This is a vertical amplifier, this one is delay line, this is trigger circuit, this another one time this generator, this is horizontal amplifier, this whole one is cathode ray tube. It is also known as heart of the CRO. Now I am going to explain the first block, vertical amplifier. The input signal to be displayed on the screen is applied to the vertical amplifier. Vertical amplifier amplifies the weak signal so that produce measurable deflection on the screen. Vertical amplifier decides sensitivity and bandwidth of the signal. Its output is given to the input of delay line. Now next block is delay line. Students, we know that the input signal is applied to the horizontal as well as vertical deflection plates. Before reaching the horizontal plate, the signal passes through different blocks such as trigger circuit, time-based generator, horizontal amplifier, and horizontal deflection plates. Thus, a small delay occurs and the signal reaches the vertical deflection plate before horizontal deflection plate. But this causes distortion in the signal on this screen. To avoid this situation, a small delay using the delay line block. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारा सिग्नल स्क्रीन पर शो होता है, डिस्प्ले होता है, उसको सबसे पहले हम वर्टिकल एम्पलीफायर के इनपुट पर हम अप्लाई करते हैं। और वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है कि उस एनालॉग इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके फिर डिले लाइन को देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दूसरा जो आउटपुट होता है वो ट्रिगर सर्किट के से होते हुए पास होते हुए टाइम बेस के थ्रू होते हुए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से होते हुए हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जाता है। अब स्टूडेंट, अब जरा सोचिए कि जब हम यहाँ पर सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि हमारा फास्ट ऑपरेशन हो रहा है, फास्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर डिले लाइन ब्लॉक की क्या जरूरत है? हम क्यों यूज करते हैं सीआरओ में डिले लाइन? तो आइए मैं बता रहा हूं कि डिले लाइन का क्यों होता है यूज, क्यों किया जाता है डिले लाइन यूज। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट होता है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जाता है और एक हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जाता है। आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट होता है वो तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो बहुत शॉर्ट पाथ है, वो शॉर्ट पाथ से होते हुए सफर करते हुए जाता है। लेकिन स्टूडेंट, एक दूसरा जो आउटपुट है जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जा रहा है वो बहुत लॉन्ग रूट होते हुए जा रहा है। उसके लिए लॉन्ग रूट है, वेरियस ब्लॉक्स को क्रॉस करते हुए पास होते हुए तब हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जाता है, जबकि वर्टिकल एम्पलीफायर का जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है उस पर बहुत ही शॉर्ट पाथ उसको मिल रहा है जाने के लिए। तो होता क्या है कि हमारा जो भी सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, वो दोनों दोनों प्लेट पर एक साथ आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा स्टूडेंट कि जो इनपुट सिग्नल है उसमें डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाएगा। सपोज कीजिए कि जैसे कि हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है ऐसे, और दोनों अगर एक साथ ना आए तो उस केस में क्या होगा कि सिग्नल में कुछ डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि
मीन्स की जैसे कि सिग्नल ऐसे आ रहा है तो ऐसे ना आकर कुछ ऐसे डिस्टोर्शन इसमें क्रिएट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सिग्नल का जो बैंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमें सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिले लाइन यूज करते हैं। डिले लाइन क्या करती है कि जो वर्टिकल एम्पलीफायर का वन आउटपुट है उसको कुछ सम पीरियड ऑफ टाइम तक क्या करता है, होल्ड करके रखता है, जब तक हमारी ओरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट पर अनदर सिग्नल न आ जाए तब तक उसको होल्ड करके रखता है। अब जैसे ही पता चलता है, जैसे ही उसको सेट करते हैं कि ओरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट पर हमारा एक दूसरा सिग्नल आ गया है, वैसे ही हम क्या करते हैं उसको भी छोड़ देते हैं और दोनों सिग्नल क्या होता है कि हमारा दोनों प्लेट पर आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दीज आर टू काइंड्स ऑफ प्लेट्स, फर्स्ट इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, अनदर इज ओरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट। अब स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं कि हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और ओरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट का काम क्या होता है। इसका काम यही होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनको एक सीधे डायरेक्शन में क्या हो कि फ्लो होने के लिए अलाउ करे। सीधे डायरेक्शन में मींस इट एक्स एक्सिस में क्या हो कि फ्लो होने के लिए हमारा अलाउ करे। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन से हमारा क्या होता है, जिस प्रकार से बंदूक से गोली निकलती है उसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब देखिए तो आइए अब ब्लॉक डायग्राम पर चलते हैं कि वर्टिकल एम्पलीफायर का एक आउटपुट हमारा क्या है कि ट्रिगर सर्किट पर आएगा। अब ट्रिगर सर्किट का काम क्या होता है, ट्रिगर सर्किट जनरेट्स द पल्सेस। ट्रिगर सर्किट क्या करता है कि पल्स जनरेट करता है और वो पल्स किसके पास जाता है, टाइम बेस जनरेटर के पास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम बेस जनरेटर जनरेट्स द शॉर्टटूथ वेव। शॉर्टटूथ वेव क्या होता है स्टूडेंट, शॉर्टटूथ वेव इसलिए कहते हैं, देखिए टाइम बेस जनरेटर का काम होता है शॉर्टटूथ वेव जनरेट करना। अब शॉर्टटूथ वेव क्या होता है, शॉर्टटूथ वेव हमेशा ऐसे होता है, अ लुक लाइक अ शॉर्टटूथ, अ लुक लाइक अ शॉर्टटूथ, सो द नेम सजेस्ट शॉर्टटूथ। ठीक है स्टूडेंट, तो शॉर्टटूथ वेव टाइम बेस क्या करता है कि टाइम बेस जनरेटर हमारा शॉर्टटूथ वेव जनरेट करता है। अब जैसे कि आप जान है कि हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या है, अब उस शॉर्टटूथ वेव की जो भी है शॉर्टटूथ वेव उस सिग्नल को क्या करेगा कि एम्पलीफाई करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्टटूथ सिग्नल अवेलेबल एट द आउटपुट ऑफ टाइम बेस जनरेटर इज नॉट सफिशिएंट बिफोर अप्लाइंग इट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स द सिग्नल इज एम्पलीफाई। अब इसको क्या करेंगे कि जो हमारा टाइम बेस जनरेटर का जो आउटपुट होता है मीन्स जो शॉर्टटूथ वेव होता है वो हमारा सफिशिएंट नहीं होता है, वो हमें आगे भेजने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू उसको एम्पलीफाई करके तब हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे भेजते हैं स्टूडेंट। अब जैसा कि देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन का वर्किंग यही होता है स्टूडेंट कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को इमिट करके और आगे भेजे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इमिट होते हुए हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को से पास होते हुए फिर हमारा ओरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होते हुए स्क्रीन पर क्या होता है कोलाइड्स होता है, और जैसे ही स्क्रीन पर कोलाइड्स होता है हमारा एक लुमिनस स्पॉट बनता है स्टूडेंट्स। अब जितने स्पीड से हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट्स करेगा उतनी ही स्पीड से हमारा क्या होगा कि यहाँ पर टकराएगा, और जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी ही बड़ा हमारा हम लुमिनस स्पॉट बनेगा, मीन्स क्या होगा कि वेव फॉर्म डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन आ रही है हमारी ये इलेक्ट्रॉन बीम है। अब यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि आप जानते हैं कि एवरी सर्किट नीड टू पावर सप्लाई फॉर वर्किंग, विदाउट पावर सप्लाई एवरी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो स्टूडेंट क्या होता है कि यहां पर हम एलवी सप्लाई यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, सर्किट की जो वर्किंग होती है उसके लिए हम एलवी सप्लाई यूज करते हैं, और हाई वोल्टेज जो सप्लाई होता है हम उसको सीआरटी के लिए यूज करते हैं। सीआरटी हमारा मेन हट होता है स्टूडेंट, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हमारा जो सीआरटी होता है वो मेन हट होता है। क्यों, क्योंकि जो भी हमारी जो वेव है या सिग्नल है
वो सिग्नल हमेशा वेव के थ्रू क्या होंगे, हमारे सीआरटी पे डिस्प्ले होते हैं, सीआरटी के स्क्रीन पर। और जो हमारी ये स्क्रीन होती है वो फॉस्फरस स्क्रीन होती है, लाइट को जो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट करता है वो लाइट का फॉर्म में होता है, लाइट से हमारे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, लाइट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, इसीलिए हम फॉस्फरस की स्क्रीन की कोटिंग करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करते हुए हमारे स्क्रीन पर टकराता है तो उसके टकराने से क्या होता है, एक ल्यूमिनस स्पॉट क्रिएट होता है, और उस ल्यूमिनस स्पॉट से क्या होता है कि डिस्प्ले हो जाता है कि हमारा इनपुट सिग्नल कैसा है। तो स्टूडेंट अब हम जानते हैं कि इस सीआरटी को होल सर्किट ऑफ द हार्ट कहा जाता है, इस पूरे सीआरओ का हार्ट कहा जाता है, बिकॉज विदाउट सीआरटी द वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज नॉट पॉसिबल। विदाउट सीआरटी के जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पॉसिबल नहीं है। जितने सिग्नल आते हैं, जितने हमारे इनपुट सिग्नल लेते हैं वो सीआरटी के स्क्रीन पर क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। स्टूडेंट किसका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप नाम क्यों पड़ा है, ऑसिलोस्कोप नाम इसलिए पड़ा, ऑसिलोस्कोप हमारा डिस्प्लेइंग डिवाइस होता है, इसलिए हम इसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि मेरे द्वारा इस वीडियो में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.